सबसे ज्यादा आपको एनसीआर से ही क्वेश्चन पूछता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर एटीन क्लास सेवन का इससे पहले हम लोगों ने आउटलाइन ऑफ चैप्टर नंबर सेवनटीन तक देखा है क्लास सेवन का और चैप्टर का नाम है आपका वा, वेस्ट वाटर स्टोरी आपका जो वेस्ट वाटर होता है जिसको हम लोग आप शिस्ट जल बोलते हैं उसका स्टोरी हम लोग पढ़ते हैं तो आज का हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं रिच इन लेदर मिक्स विथ वाइल आयल ब्लैक ब्राउन वाटर टैटकोस डाउन द ड्रेन फ्रॉम द दॉवर्स टॉयलेट्स लॉन्ड्रीज इन डी दिस इज कल्ड वेस्ट वाटर झाग से भरपूर तेल काला भूरा पानी जो सिंक शावर शौचालय लंड्री से नालियों में जाता है गंदा है इसको वेस्ट वाटर बोलते हैं डी यानी कि गंदा है इसे अपशिष्ट जल कहा जाता है और उसी को हम लोग अपशिष्ट जल कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं द सस्पेंडेड इंपरिटीज इन वाटर आर कल्ड कंटामिनेंट्स पानी में निलंबित अशुद्धियों को संदूषक कहा जाता है अगला पॉइंट देखते हैं पॉइंट नंबर थ्री वेस्ट वाटर रिलीज बाय होम्स इंडस्ट्रीज हॉस्पिटल एंड अदर यूजर इज कॉल्ड सीवेज सीवेज किसको बोलते हैं घरों उद्योगों अस्पतालों और अन्य उपयोगकर्ता द्वारा छोड़े गए अपशिस्ट जल वेस्ट वाटर जो छोड़ा जाता है उसको हम लोग सीवेज कहते हैं अगला पॉइंट देखते हैं क्लीनिंग ऑफ वाटर इज द प्रोसेस ऑफ रिमोविंग पोलिटेंट्स बिफोर इट इंटर ए वाटर बॉडी और इज री द प्रोसेस जनरली नॉन एज सीवेज ट्रीटमेंट पानी की सफाई जल निकाय में प्रवेश करने या पुनः उपयोग करने से पहले प्रदूषक को हटाने की एक प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को आमतौर पर सीवेज उपचार के रूप में माना जाता है अगला पॉइंट पॉइंट नंबर देखते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कंस्ट्रक्टेड टू मेक वेस्ट वाटर और सीवेज रीयूजल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण अपशिष्ट जल या सीवेज को पुनः प्रयोग बनाने के लिए किया जाता है ए कंप्लीट नेटवर्क ऑफ सीवर्स अंडरलेंग द सर्फेस इज प्लान टू कलेक्ट सेंड द वेस्ट वाटर फॉर द ट्रीटमेंट दिस इज कल्ड सीवेज सिस्टम अपशिष्ट जल को इकट्ठा करने और उपचार के लिए भोजन के लिए सतह के नीचे सीवरों का ये पूरा नेटवर्क बनाने की योजना है इसे सिस्टम कहते हैं। अगला पॉंट, पॉंट हैं। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर देखते फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल मैटर डेट वेस्ट वाटर अपशिष्ट जल के उपचार में बहुत ही रासायनिक और जैविक प्रक्रिया शामिल होती है जो अपशिष्ट जल को दूषित करने वाले भौतिक रासायनिक और जैविक पदार्थों को हटा देती है अगला पॉइंट पॉइंट नंबर एट देखते हैं द ट्रीटेड वाटर फ्रॉम द सीवियस ट्रीटमेंट प्लांट हैज ए वेरी लो लेवल ऑर्गेनिक एंड सस्पेंडेड मैटर्स दिस इज चार्ज है वाटर बॉडीज बाई द समथिंग बाई सम डिस इन्फेक्टिंग विदोरीन एंड ओजोन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के उपचारित पानी में बहुत निम्न स्तर का कार्बनिक और निलंबित पदार्थ होते हैं इसे इसे कभी कभी क्लोरीन और ओजोन के साथ कीटाणु रहित करके जल निकायों में छोड़ दिया जाता है अगला पॉइंट बाई प्रोडक्ट ऑफ वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आर स्लस एंड बायोगैस अवशिष्ट जल का उपचार के उप उत्पाद कीचड़ और बायोगैस है पॉइंट नंबर टेन देखते हैं वेयर अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम एंड रिफ्यूज डिस्पोजल सिस्टम आर नॉट अवेलेबल द लो कॉस्ट ऑन द साइट सैनिटेशन सिस्टम कैन बी एडॉप्टेड है जहां भूमिगत सीवरेज सिस्टम और कचरा निपटाना प्रणाली उपलब्ध नहीं है वहाँ कम लागत वाली साइट स्वच्छता प्रणाली को अपनाया जा सकता है ओपन ड्रेन सिस्टम इज ए ब्रीडिंग प्लेस फॉर फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड ऑर्गेनिज्म काउस डिजीज ओपन ड्रेन सिस्टम मक्खियों मच्छरों जीव के लिए प्रजनन स्थल है जो बीमारियों का कारण बनते हैं

तो आज के लिए इतना ही अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टू लर्न लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आप लोग तो को नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आज के लिए इतना ही आप सबको धन्यवाद